अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इफा सैलून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से और खुश होंगे। द पर्पज ऑफ माय चैनल इज टू लिव ब्यूटीफुली एंड हेल्दी विद इफा। वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आपको सॉफ्ट, जिस तरह से मेरे बाल सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हेयर के बारे में बता रही हूँ, इस बारे में मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। और एक बहुत ही बेहतरीन होम इंग्रेडिएंट से तैयार करता मास्क है जिसको अप्लाई किया मैंने, और मेरी कुछ क्लाइंट्स भी इसको अप्लाई कर रही हैं और उसके बाद उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। तो आज हम एक हेयर मास्क के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको यूज़ करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसा लगा। सो माई डियर फ्रेंड्स, आप बिफोर देखिए और देखिए कि बाल किस कदर ड्राई और डैमेज है, और ड्राई और डैमेज हेयर के लिए आज हम जो है वो मास्क तैयार कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक दिस वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इस बेहतरीन मास्क के अंदर यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर हम चार इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास दही है और कोकोनट ऑयल है, और उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास विटामिन ई के कोई भी कैप्सूल्स हैं, और चौथा जो है वो इसके अंदर हमारे पास दही या कर्ड। सो माई डियर फ्रेंड्स, बेसन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं या ग्राम फ्लोर क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा बेसन जो है वो बालों में वॉल्यूम लेके आता है, बालों को हेल्दियर दिखाता है, स्कैल्प को साफ करता है, थिन बालों को हेल्दी करता है, और हेयर लॉस का सोल्यूशन भी है। इसके अलावा ये हमारे बालों को साफ करता है और स्कैल्प को भी क्लीन करता है, और इरीटेशन और इचिंग वगैरह से भी बचाता है, तो इसलिए बेसन का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस मास्क के अंदर हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है दही या कर्ड। दही जो है वो रिड्यूस करता है डैंड्रफ प्रॉब्लम्स को, उसके अलावा बालों को कंडीशन करता है, बालों के अंदर रेडियंस को ऐड करता है, इची स्कैल्प से आपको बचाता है, हेयर फॉल से आपको बचाता है, हेयर फॉलिकल को नरिशमेंट देता है, नरिश करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करता है। इसके अलावा बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, इन्हें स्मूथ, सिल्की और सॉफ्ट बनाने में हमारी मदद करता है। सो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा जो है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, हेयर की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, ड्राई स्कैल्प और डैंड्रफ को ख़त्म करता है, उसके अलावा बालों को सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की करता है, बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करता है, हेयर फॉलिकल्स को रिपेयर करता है। कोकोनट ऑयल हेयर ग्रोथ में भी बहुत मदद देता है, और इससे आपके बालों के अंदर एक शाइन, एक नेचुरल मॉइस्चर जो है वो हर वक्त आ जाता है, नेचुरल शाइन आपके बालों में आती है। विटामिन ई के कैप्सूल का सीरम हम यूज़ करेंगे। दो यहाँ पर हमने विटामिन ई के कैप्सूल्स लेने हैं। ये इम्प्रूव करते हैं ब्लड फ्लो को, उसके अलावा हेयर लॉस को स्टॉप करते हैं, उसके अलावा इंश्योर करते हैं हेल्दी स्कैल्प के लिए, और इसके अलावा ये बालों को जो है वो ग्रोथ के लिए बूस्ट करते हैं, हेयर ग्रोथ इससे बहुत फास्टली हो जाती है। विटामिन ई के कैप्सूल के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आइए इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने बेसन लेना है, 5 टेबलस्पून जो है भर के आपने बेसन ले लेना है। बेसन को एक बाउल में आपने डाला, उसके बाद 2 से 3 चम्मच जो है आप इसके अंदर दही डालेंगे, और 2-3 चम्मच इसके अंदर दही डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कोकोनट ऑयल, अगर इसकी जगह पर आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल ज़्यादा बेस्ट है। इसके हमने 2 टेबलस्पून भर के लेने हैं। अगर आप इसके अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी डाल लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर लेने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स का सीरम जो है वो हमने अपने इस मिक्सचर के अंदर मिला लेना है, जिसको हमने पहले से जो है वो मिक्स किया हुआ है, और इन तमाम इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसको हमने जो है वो अपने बालों में, ये जो मटेरियल हमने बनाया है, इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। तो इसको आप हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश से भी, आपकी मर्ज़ी है। आपने रूट से लेकर इसको जो है वो सिरों तक अप्लाई करना है, क्योंकि इसके अंदर तमाम आपके पास नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इस वजह से इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप हाथ से यूज़ करें या ग्लव्स से करें या ब्रश से करें। तो जिस तरह आपको ईजी लगता है, आपने उस तरह से ही इसको जो है वो अपने बालों में अच्छे तरीके से प्रॉपरली जो है वो अप्लाई कर लेना है। आप लेयर बाई लेयर भी कर सकते हैं, ऐसे आपने एक लेयर उठाई है
और लेयर उठाने के बाद आपने उसको रूट से लेकर नीचे तक आप इसको बालों में जो है वो इस मास्क को अच्छे तरीके से प्रॉपरली ऐसे करके अप्लाई करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपसे प्रॉपरली नहीं लग रहा तो आप इसको अपने हैंड्स की मदद से भी इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सारे बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं बालों में बहुत अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो गया। इसको सारे बालों को अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर ये मटेरियल अपना जो मास्क है वो लगाया है। उसके बाद मैं बालों को जो है वो बाइंड कर रही हूँ। आपने बालों को बाइंड कर लेना है और बालों को बाइंड करने के बाद शावर कैप, या अगर आपके पास शावर कैप नहीं है तो कोई भी शॉपर या कोई भी चीज़ आपने अपने बालों के ऊपर जो है वो सर के ऊपर कवर कर लेना सर को। और आपने तकरीबन 40 मिनट्स भी आप वेट कर सकते हैं, बट 30 मिनट्स रिकमेंडेड है इस मास्क के लिए। उसके बाद हम वॉश करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बालों की कैसी कंडीशन होगी। सो बिफोर आप लोग देख चुके हैं, अब आप आफ्टर में बाल देखिए किस तरह से सॉफ्ट, और इनका जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो गई है बहुत हद तक। तो आप आफ्टर में देखिए कि बाल जो है वो अब किस तरह से नज़र आ रहे हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक फॉलो शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।